ना शर्म और ना ही फिक्र, एक बार फिर से बिग बॉस ने निमृत के हाथों में छोड़ दिया है अपना घर। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं आज के एपिसोड में भी निमृत को और आलूवालिया को कैप्टनसी दे दी गई है, और अर्चना गौतम ने जैसा कहा ठीक उसी तरीके से ये टास्क पूरी तरह से डिजाइन किया गया था निमृत को और आलूवालिया को कैप्टनसी देने के लिए। पहले तो निमृत को और आलूवालिया को टिकट टू फिनाले कंटेंडर बनाया गया था, उसके बाद लगातार 3 हफ्ते से ऐसे ही टास्क आ रहे हैं जिन टास्क को या तो कोई जीत नहीं सकता, अगर जीत सकता तो मेजोरिटी वाइज, अगर आज कोई टास्क रद्द होता है तो बिग बॉस ने कहा कि भाई रद्द होने के बाद भी जिस बंदे के पास टिकट टू फिनाले वही रहेगा। बिग बॉस के पिछले सीजन्स में हमने देखा कि अगर कोई टास्क रद्द हो जाता था तो फिर बिग बॉस सब घर वालों को नॉमिनेट कर देते, पर इस सीजन की बात ही कुछ हो रहा है। इस सीजन बिग बॉस ने कहा अगर टास्क रद्द हो रहा है तो सब घर वाले नॉमिनेट नहीं होंगे, या फिर ऐसा नहीं होगा कि इस हफ्ते कोई भी कैप्टन ना बने, बल्कि निमृत कौर आलूवालिया हमारे लिए कैप्टन थी, हमारे लिए कैप्टन है और हमारे लिए कैप्टन रहेगी। प्रियंका जाट चौधरी का सवाल उठाना कहना कहीं जायज था कि निमृत बहन वैसे भी तो 3 हफ्ते से सेफ हो ही रही है, ये एक ही तो हफ्ता है, आज इस बार नॉमिनेशन में हो सकता है तेरे फैंस भी तुझे वोट करके बचा ले, लेकिन कहीं ना कहीं टास्क रद्द होने की वजह से फिर से निमृत को अलविदा कैप्टन बनी, और जो कि कुछ ऑप्शन था भी नहीं क्योंकि कोई भी इंसान वहां निमृत के अगेंस्ट नहीं जाने वाला था। प्रियंका निमृत के अगेंस्ट गई तो वो टास्क रद्द हुआ, ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं वैलिड था। अगर निमृत को 3 हफ्ते से सेव किया जा रहा है, 3 हफ्ते से वैसे भी निमृत सेव होती आ रही है, तो चौथे हफ्ते क्यों ना हम सुम्बुल को सेव कर लें और निमृत एक हफ्ते अपने फैंस पे भरोसा करें। लेकिन नहीं, टास्क रद्द होता है और इसके साथ निमृत कौर आलूवालिया बनती है बिग बॉस के घर, बिग बॉस 16 की पहली टॉप फाइव में जाने वाली पहली फाइनलिस्ट निमृत कौर आलूवालिया बनती है बिग बॉस 16 की पहली फाइनलिस्ट, जो कि बी4 बिग बॉस ने बी4 बायस तरीके से बनाई है, और निमृत बहुत ही अनडिजर्विंग है। हमें भी पता है 15वें हफ्ते में जिस बंदी को वेकअप कॉल दिया जाए, 14वें हफ्ते में जिस बंदी को सलमान खान ये बोले कि तुम्हारी फुटेज का सोर्स अब्दू के बिना तुम दिखती नहीं हो, उसके बाद साजिद खान के जाने के बाद जिस बंदी का कोई वजूद हमें देखने को ना मिले, जो बंदी अपने बाप की कोई बात ना माने और अपना वजूद ना दिखा पाए, जब निमृत और आलूवालिया के फादर ने निमृत को कहा था कि तुम मंडली को लीड कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है, तो निमृत ने कहा था मुझे लीड करना ही नहीं है, इफ अ पर्सन इज प्लेइंग इन ग्रुप तो मुझे कोई इशू नहीं है। निमृत पिछले 10 हफ्ते से, पिछले 12 हफ्ते से, पिछले 16 हफ्ते से ग्रुप में खेल रहा है, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, बट निमृत ने कभी ग्रुप को लीड करने की कोशिश ही नहीं की, एक प्रॉब्लम है। और निमृत का गेम सिर्फ इतना ही देखने को मिला कि प्रियंका चार चौधरी को उसने फ्रॉम डे वन हेट दिया है और अब तक वो हेट देती आ रही है, आज के एपिसोड में कहीं ना कहीं हेट दे रही थी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि निमृत कौर आलूवालिया जो है वो बिग बॉस 16 की सबसे रियल कंटेस्टेंट है, क्यों? क्योंकि निमृत कौर आलूवालिया का गेम पहले दिन से प्रियंका को हेट देना था, और आज 120-130 दिन बीत चुके हैं, आज 16वां हफ्ता शुरू हो चुका है, अभी तक निमृत कौर आलूवालिया प्रियंका चार चौधरी को हेट ही दे रही है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि बिग बॉस ने किस बिहाफ पे निमृत कौर आलूवालिया को टिकट टू फिनाले का दावेदार बनाया था, और उसके बाद अगर ऐसे टास्क आएंगे तो बिग बॉस के आपको जेन्युइन नहीं लगता है कि इन टास्क की वजह से निमृत कौर आलूवालिया की कैप्टनसी बदली जाएगी या नहीं? अर्चना गौतम ने जो आज का बड़ा ही वैलिड था, बड़ा ही बैमोन था, और मैं तो कहूंगा अर्चना गौतम में गट्स है सच को सच बोलने की। बिग बॉस ने कहीं ना कहीं आज के एपिसोड में भी ये टास्क भी निमृत कौर आलूवालिया को प्लेटर पर सजा के दिया था ताकि निमृत की कैप्टनसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा, अगर ये कार्य रद्द भी होगा तो भी निमृत कौर आलूवालिया टिकट टू फिनाले के दावेदार होगी। तो फिर इस पूरे टास्क का फायदा क्या, इस पूरे टास्क की वजूद क्या, बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी कहां है? पहले तुम एक बंदी को टिकट टू फिनाले दे देते हो, उसके बाद उसके अगेंस्ट टास्क भी ऐसे होते हैं जहां पे आपसी सहमति होती है, जहां पे मेजोरिटी वाइज डिसाइड करना होता है और पूरा घर उस बंदी को सपोर्ट ही करेगा, चाहे उस बंदी ने कंटेंट दिया हो या ना दिया हो, चाहे उस बंदी का योगदान शो के लिए अच्छा हो या ना हो, चाहे उस बंदी ने कंटेंट के नाम पे सिर्फ प्रिया को हेट दिया और 24 घंटे हगा हो, लेकिन पूरा घर उसे सपोर्ट करेगा। और अगर उसे सपोर्ट कोई नहीं करता है, टास्क रद्द होता है, तो उसके बावजूद वही बंदी टिकट टू फिनाले के दावेदार बनेगी और वही बंदी बनेगी पहली डिजर्विंग फाइनलिस्ट। वेल डन बिग बॉस। बिग बॉस ने दिखाया कि इस पूरे सीजन हम बायस रहे हैं, और बी फॉर बिग बॉस ने एक बार फिर से निमृत कौर आलूवालिया को टॉप 5 में पहुंचा दिया, और ये देखने के बाद कहना कि फैंस के मन में भी सवाल उठने लगे हैं कि अगर मेकर्स को सब कुछ अपने ही अकॉर्डिंग करना है, अगर मेकर्स को सब कुछ ऐसे ही करना है योगदान के बेस पे, कॉन्टेंट के बेस पे, वोटिंग के बेस पे, यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो क्या ये सही है? क्या हम हमारे इमोशन सही जगह डाल रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिग बॉस ये ना कहते ना कि हम ये ट्रॉफी दे देते हैं शिव ठाकरे को और बाकी लोगों को बोलते हैं अगर तुम्हारे अंदर दम है तो हम तुम्हें चैलेंज देते हैं, तुम शिव को चैलेंज करो और ये ट्रॉफी ले जाओ। बिग बॉस ऐसे नहीं होता है। टिकट टू फिनाले हलवा नहीं, आपने आपने निमृत को दे दिया, फिर आपने निमृत को जितवा दिया। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि निमृत को आलूवालिया डिजर्विंग थी टिकट टू फिनाले जीत के टॉप 5 में जाने की, या फिर बिग बॉस बायस रहे हैं और ये पूरी तरह से निमृत को फेवर किया गया है? आपके आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।